दोस्तों आज हम बिना तले ठंड के लिए एकदम स्पेशल नाश्ता बना रहे हैं जो आपको समोसे और कचौरी के स्वाद को भी भुला देगा। तो आज हम कुकर में और अप्पे पैन में मसाला बाटी बनाएंगे जो समोसे और कचौरी से कहीं ज़्यादा खस्ता, टेस्टी और हेल्दी बनता है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप गेहूं के आटे में 1/4 कप सूजी लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, थोड़ा सा हाथों से मसलते हुए हम इसको डालेंगे। 1 टीस्पून जितना हमने अजवाइन लिया है इसको भी हाथों से क्रश करके डालेंगे और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक डाला है और साथ ही डाल देंगे 3 टीस्पून घी है। ये थोड़ा जमा हुआ है, अगर पिघला हुआ घी ले रहे हैं आप तो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लें और इन सब सामग्री को हम अच्छे से मिलाएंगे। तो मोयन देंगे हम मुट्ठी बन जाने तक। अच्छे से मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा टाइट आटा लगाएंगे। तो जो नॉर्मल रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं उससे थोड़ा टाइट ही हमें इसको लगाना है और 1/2 कप जितना मैंने पानी का इसमें इस्तेमाल किया है। थोड़ा टाइट आटा होगा तो हमारी बाटियाँ एकदम क्रिस्पी बनेंगी। तो ये देखिए मैंने आटा तैयार कर लिया है और इस आटे को हम कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। एक मसाला तैयार करेंगे, इसके लिए मैंने खलबट्टे में 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1/2 चम्मच सौंफ लिया है और 2 छोटे चम्मच ही मैंने इसमें साबुत जीरा लिया है। अच्छे से हम इसको क्रश कर लेंगे। तो थोड़ा दरदरा ही हमें इसे कूटना है और हमारा एकदम स्पेशल बाटी के लिए मसाला रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं गैस पे। मैंने एक कढ़ाई रखा है जिसमें 2 टीस्पून जितना हम कोई भी कुकिंग ऑयल लेंगे और इसी में हम ये कूटे हुए मसाले डाल देंगे। इसी मसाले के साथ हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तो ये मैंने कूट के लिया है, फ्रेश कूटा हुआ है। फ्रेश कूटे हुए अदरक, लहसुन के और हरी मिर्च के पेस्ट से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और इसको हम 1 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। तो ये मिर्ची तीखी नहीं है इसलिए मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें जैसा तीखा आपको पसंद हो। 1 मिनट तक चलाते हुए फिर से मैंने इसे भून लिया है, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। अब हम 3 उबले हुए आलू डालेंगे, मीडियम साइज़ के आलू हैं और इसी में मैंने 1/2 कप उबले हुए मटर डाल दिए हैं। तो इतने मसाले में हमारे 10 से 12 बाटियां तैयार हो जाती हैं। एक बार हम इसको अच्छे से चला लेंगे, कोई भी मसाले जलने नहीं चाहिए। 1/2 टीस्पून इसमें हम काला नमक डालेंगे, 1 टीस्पून जितना हम इसमें नमक डालेंगे, सादा नमक है ये, 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है इस मसाले का और 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में चलाते हुए इस मसाले के साथ आलू को अच्छे से भून लेंगे। तो हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया और एक बार अच्छे से चला के गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, थोड़ा ठंडा कर लेंगे ताकि हमारी बाटियाँ भरते समय टूटे नहीं। और ये देखिए आटा भी 10 मिनट हो गया है और एक बार हम इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी लोइयाँ काटेंगे, तो थोड़ी छोटी लोइयाँ ही मैंने काटी हैं, छोटा बड़ा बाटी आप अपने पसंद से बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसको थोड़ा हाथों से दबाते हुए फैला लेंगे। तो इसको पतला करना है थोड़ा और इसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी करनी है, यानी पूड़ियों के जैसे हमें इसको हाथों से दबाते हुए इसको बड़ा कर लेना है। एक कटोरी का शेप हम दे देंगे इसमें और इसी में हम अपने मसाले भरेंगे। तो 1 टीस्पून जितना हम इसमें बाटी का मसाला भर लेंगे और इसको चारों तरफ से हाथों से दबाते हुए इसको बंद कर लेंगे। हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करते हुए जो भी ऊपर का एक्स्ट्रा आटा होगा हम इसको निकाल लेंगे। तो बाटियों का शेप दे देंगे हम इसको, जैसे हम नॉर्मल बाटी भरते हैं वैसे ही। और ये देखिए हमारी सारी बाटियाँ रेडी हो गई हैं। अब चाकू के पीछे के हिस्से से हम इसमें प्लस का शेप बना लेंगे, डिजाइन बनाना है हमें, कट नहीं कर लगाना है। तो इसीलिए मैंने इस चाकू के बैक साइड से इस पे डिजाइन बनाया है ताकि ये कटे भी नहीं और इसमें अच्छा सा बाटी पे डिजाइन बन जाए। अब हम इस बाटी को 2 तरीक़ों से सेकेंगे। तो पहले तो आप
कुकर में आप इसको सेक सकते हैं। तो कुकर को मीडियम फ्लेम में मैंने गरम कर लिया है और इसमें हाफ टी स्पून जितना घी डाला है और इसी में हम अपनी बाटियाँ डाल देंगे। तो मैं आपको यहाँ दो तरीके बता रही हूँ। तो पहला तरीका ये है कि आप कुकर में भी आप इसको सेक सकते हैं और ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा घी और मैंने डाल दिया है। कुकर के ढक्कन का मैंने सीटी और रबड़ हटा दिया था और इसको बंद कर देंगे और इसी तरीके से पलटते हुए दो तीन बार और बंद करते हुए हम इस बाटियों को सेक लेंगे। जिस तरफ से नहीं सीखे हैं उस तरफ से पलटते हुए हम इसको सेक लेंगे और कुकर में बाटी सेकने पे आपको 7 से 8 मिनट लग सकता है। और दूसरा तरीका है ये है कि अगर आपके पास अप्पे पैन है तो आप इसमें भी बाटी सेक सकते हैं। इसमें भी एकदम क्रिस्पी हमारी बाटियाँ तैयार होंगी। तो थोड़ा थोड़ा घी मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें ही हम अपनी बाटियों को रख देंगे। तो घी हम बाटियों में बाद में भी डालते ही हैं तो हम अभी घी में ही इसको सेक रहे हैं। तो इससे एकदम बाटियाँ क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगी, खस्ता बनेंगी। तो ये देखिए कुकर वाला हमारा जो बाटी था वो अब लगभग रेडी हो गया है और अप्पे पैन में जो हम बाटी सेक रहे हैं उसको सेकने में हमें 9 से 10 मिनट लग सकता है। तो ऊपर से थोड़ा सा घी और मैंने लगा दिया है और इस तरह से पलटते हुए हम इसको 2-3 बार पलट लेंगे। जिस तरफ से ये सेकी हुई नहीं है उस तरफ से पलट के उसको अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमारी बाटियाँ एकदम रेडी हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी, और ये बहुत ही टेस्टी होती हैं और फटाफट बन भी जाती हैं। तो ये देखिए एकदम रेडी है ये बाटी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी और इस बाटियों को हम चटनी के साथ या सॉस के साथ खा सकते हैं। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना क्रिस्पी ये बाटी बना है। आप भी इस बाटी को बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।